धनबाद की सड़कों पर मनमाने ढंग से वाहन खड़ा करने वाले हो जाए सावधान, आ गई है 16 लाख की क्रेन मशीन। जैसे ही निगम इस क्रेन को ट्रैफिक पुलिस को सौंपेगी, ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों को उठाने का काम शुरू करेगी। मुख्य सड़कों पर नो पार्किंग जोन में 3 और 4 पहिया वाहनों को खड़ा करना अब वाहन मालिकों को भारी पड़ सकता है। अब सड़कों पर खड़े वाहनों को यह 16 लाख की क्रेन उठाकर थाने ले जाएगी, उसके बाद वाहन मालिकों को थाने जाकर चक्कर लगाना होगा, फाइन का भुगतान करना होगा, साथ ही गाड़ी को उठाकर ले जाने में जो भी खर्चा आया है उसका भुगतान भी वाहन मालिकों को ही करना होगा। सड़क सुरक्षा समिति की पिछले दिनों हुई बैठक में लिए गए निर्णय के बाद निगम ने नया क्रेन वाहन की खरीदारी की है। इस वाहन को निगम ट्रैफिक पुलिस को देगी, वाहनों को उठाकर ले जाने और जुर्माना वसूलने का काम ट्रैफिक पुलिस ही करेगी। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ट्रैफिक पुलिस ने क्रेन का मुद्दा उठाया था और कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इसकी मांग रखी थी। ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि क्रेन की व्यवस्था नहीं रहने के कारण वाहनों को जब्त करने में परेशानी होती है। क्रेन अभी ट्रैफिक पुलिस को हैंडओवर नहीं किया गया है, हैंडओवर मिलने के बाद अभियान शुरू हो जाएगा। धनबाद की सड़क तो वही है, लेकिन वाहनों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। शहर के मुख्य सड़क की बात कौन कहे, मोहल्ले की सड़क पर भी दोनों ओर गाड़ियां खड़ी रहती है। दिन की बात हो या रात, जगह नहीं होने के कारण गाड़ियां सड़क के किनारे ही खड़ी रहती है। हाल के दिनों में धनबाद में मॉल का कल्चर काफी बढ़ा हुआ है, लेकिन पार्किंग स्थल को बिल्डरों ने बेच दिया। नतीजा यह होता है कि खरीदारी करने वाले लोग सड़क के किनारे वाहन खड़ा करते हैं। आप किसी भी मॉल में चले जाइए, सड़क के किनारे वाहनों की लंबी लाइनें लगी रहेगी। वाहनों की यह लाइन सड़क पर चलने वालों को काफी परेशानी करती है। पिछले दिनों निगम ने इसके खिलाफ अभियान भी चलाया, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। अब देखना है कि ट्रैफिक पुलिस को क्रेन मिल जाने के बाद लोगों को ट्रैफिक जाम से कितनी सहूलियत मिल पाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।